solo delle olona. Ayazo delle olona. Lida ni sali ni sali li ma ya li ma yo sulu janga aralamu. Ma yo sulu janga. Sala inya sayalari, kuna tu inya sayalari, ikuna tu inya sayalari. Namaste, Jule Tashi Dilik. I am Amita Negi and welcome back to my channel. आप सबका मेरे channel Tribal Girl में फिर एक बार स्वागत है. किन्नौर के सेब भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में इसके स्वाद और क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है. हमारे यहाँ अपर किन्नौर में भी सेब तुड़ान शुरू हो गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे जो सेब है वो पेड़ों से कैसे निकालते हैं, कैसे उनकी ग्रेडिंग होती है और किस प्रकार उनकी पैकिंग की जाती है और कैसे सेबों को फलों की मंडियों तक पहुँचाया जाता है. तो आइए देखते हैं सेब तुड़ान से लेके फलों की मंडियों तक पहुंचने तक का पूरा सफर. हमारे यहाँ अपर किन्नौर में सेब का सीजन अक्टूबर के अंत तक शुरू हो जाता है. सेब तुड़ान से पहले हम हमारे इष्ट देवता की पूजा करते हैं, इसलिए हम बनाते हैं हलवा और पूरी. और जो पहला सेब हम तोड़ते हैं उसको हम रखते हैं फुत, यानी कि उसको हम भोग चढ़ाते हैं और हमारे इष्ट देवता की पूजा करते हैं और उनका स्मरण करते हैं. फिर हम शुरू करते हैं सेब तुड़ान. और कोरोना की वजह से इस बार लेबर में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत कम लेबर और ग्रेडर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो हम सब सेब खुद निकाल रहे हैं और जो 3-4 ग्रेडर आए हैं वो अपना ग्रेडिंग का काम कर रहे हैं. सेब तुड़ान भी एक कला से कम नहीं है. अगर हम सेब को ऐसे खींचेंगे तो ये बाकी जो के जो सेब है ये भी साथ में गिर के आ सकते हैं, तो हमें इसको बड़े ही सावधानी से ऊपर नीचे ऐसे टिल्ट करना है. जैसे ऊपर नीचे टिल्ट करेंगे आप देख सकते हैं अपने आप सेब निकल के आ जाएगा. और सेब निकालते समय सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि जो ये सेब है इसका ये जो डंठल है ये इसके साथ अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये इसके साथ अटैच नहीं होगा तो ये जो सेब है ये हमारा जल्दी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो सेब है ये भी मार्केट में नहीं बिकता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सेब को हमें बहुत ही प्यार से निकालना होता है. ऊंचे पेड़ों से सेब निकालना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए बड़े ही सावधानी से उन पे चढ़कर सेब निकालते हैं. और जिन पेड़ों पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है उन पर हम सीढ़ी लगा के सेब निकालते हैं. और फिर हम सेबों को झोले और किल्टे में भर कर एक जगह डेरी लगा देते हैं. हम डेरी सेब के वैरायटी के अनुसार लगाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं ये जो सेब है ये रिचर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे रिचर्ड की डेरी लगाएंगे. तो इस प्रकार हम अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग जगह डेरी लगाते हैं ताकि बाद में ग्रेडिंग के समय हमें आसानी हो. तो आइए जानते हैं सेब की ग्रेडिंग के बारे में, किस प्रकार सेब की ग्रेडिंग की जाती है. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लावरंग में जो अभी हम रॉयल सेब की पैकिंग करते हुए, और ये जो आप सामने सेब देख रहे हैं ये है एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि 2.5 बॉक्स में जाएगा. और यह चंडीगढ़, परमाणु, दिल्ली जैसे बड़ी बड़ी मंडियों में जाता है और काफ़ी अच्छे दाम जो है इसके प्राप्त होते हैं. आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर है और इसके बाद एक और लेयर अभी इसमें लगेगा. तो जैसे ये बॉक्स आप देख रहे हैं तो ये रेडी हो चुका है. इस बॉक्स की कीमत दिल्ली में आजकल कम से कम 1250 के करीब है हाफ बॉक्स की.
तो जो इसको भी तीन प्रकार से भरा जाता है, जो ए ग्रेड का होगा वो अच्छे वाला, और उसके बाद जो थोड़ा ये धारीदार है ये इसमें जाएगा, और जो बिल्कुल हरा होगा वो इस तीसरे बॉक्स में जाएगा। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है सेब की भी, जैसे रिचर्ड हो गया, रेड गोल्डन हो गया, गोल्डन हो गया, रॉयल हो गया। तो अभी हम यहाँ पर रॉयल की पैकिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी ग्रेड सिस्टम होता है मीडियम का। ये बिग साइज लार्ज है, ये मीडियम है, ये उसके बाद का स्मॉल है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये जो है बिल्कुल हरा जो कि 7 लेयर में जाएगा, और ये 6 लेयर है जो भी 3 लेयर में जाएगा, और ये 200 है ये भी 3 लेयर में जाएगा, और ये जो बिल्कुल है ये 7 लेयर बड़ी पेटी में जाएगा। तो इस बार कोरोना की वजह से क्या फर्क पड़ा? इस बार बाकी और जगह तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा लाहौल स्पीति में जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। वहाँ पर लोग जो है कोरोना को बहुत सीरियस लेते हुए और काफ़ी वो बचाव कर रहे हैं अपना भी और दूसरों का भी। कोरोना के कारण फिर भी जितनी डिफिकल्टी समझ रहे थे कि एप्पल जो है मार्केट में पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, अच्छे दाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब काफ़ी अच्छे दाम जो है इस बार सभी जगह का सेब, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट शिमला का हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मंडी का हो, मंडी वालों के रेट तो वैसे भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस बार जो है यहाँ के एप्पल के भी काफ़ी अच्छे रेट जो है मार्केट में प्राप्त हो रहे हैं। हमारा सेब तुड़ान का काम तो चला हुआ है और सेबों को हम झोले में भर के अलग अलग जगह डेरी लगा रहे हैं उसके वैरायटी के हिसाब से, और साथ ही साथ ग्रेडिंग का काम भी चला हुआ है। सेवारा सीजन लान लड़ी गुटी है, सेवारा सीजन लान हो, सेवारा सीजन लान लड़ी गुटी है, सेवारा सीजन लान हो, लोई बुशेरोले जान लड़ी गुटी है, लोई बुशेरोले जान सेवारा सीजन लान लली गुडी है, सेवारा सीजन लान हो, बांक मर देशोरा बान लली गुडी है, बांक बेमारा बान हो, सेवारा सीजन लान लली गुडी है, सेवारा सीजन यहाँ सेब की पैकिंग हो रही है। इस साल लॉकडाउन की वजह से ठेकेदार भी बहुत कम सम आ रहे हैं, इसलिए हम खुद सेब भर रहे हैं, ग्रेडिंग पैकिंग कर रहे हैं, और एका दुका आ रहे हैं ग्रेडर, फिर पैकिंग खुद कर रहे हैं हम लोग, तोड़ान भी खुद कर रहे हैं। पुराने ज़माने में तो अब वही लगाते थे, रेड रॉयल रिचर्ड गोल्डन यही लगाते थे, अब तो नए नए वैरायटी आए हुए हैं, आली वैरायटी, लोग नया वैरायटी लगा रहे हैं। हमारे पुराने बगीचे में तो यही पुराना ही वैरायटी। अगर हमारा सर्दी को बर्फ़ नहीं पड़ती तो फिर गर्मियों में पानी का बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यहाँ बरसात होता नहीं है। हमारा तो सर्दी को बर्फ़ पर ही निर्भर है, बर्फ़ नहीं पड़ा तो हमारा सूखा पड़ जाता है। गर्मियों में बारिश का तो ना बराबर ही आता है, इसलिए हमारा सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। एक ही नाला का पानी है जो कि काणम लाभरंग सपीलो करला 3-4 गांव को पूरा करता है, यही नाला है। इस नाले में आगे पहाड़ में बर्फ़ भी नहीं टिकता है, इतना दूर पहाड़ भी नहीं है, नज़दीक से ही पानी आता है, इसलिए इस पानी से 3-4 गांव जो है तो गुजारा करते हैं। वो भी अगर सही सर्दी में बर्फ़ पड़े तो अच्छा गुजारा हो जाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे को। सेब के इतिहास के बारे में बात करें तो सेब सबसे पहले मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान में पैदा हुए थे, यहीं से बाकी दुनिया तक पहुंचे। हिमाचल में 1916 में अमेरिका से सेब का पौधा लाकर कोटगढ़ की थानादार पंचायत के बारूबाग में सेब का पहला बगीचा तैयार किया गया था, और अब हिमाचल में 12 जिलों में से 9 जिलों में सेब की पैदावार होती है। और अब नई सेब की वैरायटी आने से हम
तापमान को माप कर भी गर्म रेतीले जमीन पर सेब तैयार किए जा रहे हैं। और हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में सबसे पहला सेब 1950 के दशक में आया था। उस जमाने में यातायात नहीं थे तो लोग पैदल चलकर कोटखाई से सेब का पौधा लाए थे और आज के समय में किन्नौर के सेब विश्व भर में प्रसिद्ध है इसके स्वाद और क्वालिटी के लिए। किन्नौर के सेबों की स्किन काफ़ी ज़्यादा थिक होती है इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ और सेबों के मुकाबले ज़्यादा होती है। हम किन्नौर के सेबों को 4 से 7 महीने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। सेब फाइबर विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं इसीलिए तो कहा गया है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सेब तुड़ान ग्रेडिंग पैकिंग सब हो गई है बस अब ये जो सेब की पेटियां हैं इनको हमें ले जाना होता है बस स्टॉप तक। खेत तक रास्ते नहीं हैं इसलिए सेबों को नेपालियों द्वारा ले जाया जाता है बस स्टॉप तक। खेत से बस स्टॉप का रास्ता लगभग आधे घंटे का है और आप देख सकते हैं किस प्रकार सेब की पेटियों को ले जाया जा रहा है। और ये जो रास्ते हैं बेहद ही संकरे और ख़तरनाक है, इन पे चलना कोई आसान बात नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे है ये और इन्हें बड़ी ही सावधानी से ले जाया जाता है और बस स्टॉप पहुंचने के बाद पेटियों को ट्रकों में डाला जाता है और फिर ट्रकों द्वारा सेब की पेटियों को फलों की मंडियों तक पहुंचाया जाता है। गिरे हुए सेबों को हम व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, उनको हम उठाते हैं फिर उनको काटते हैं और काटने के बाद उन्हें धूप में सुखाते हैं और धूप में सूखने के बाद इन सेबों का हम सर्दियों में शराब लगाते हैं और फिर सर्दियों में हमारे जानवरों के खाने के लिए रखते हैं। ये जो आप खुशी देख रहे हैं सेब तोड़ने की, इसके पीछे ना जाने एक किसान कितनी मेहनत करता है। मीलों दूर चलकर सेबों की सिंचाई के लिए पानी लाया जाता है और आप देख सकते हैं किस प्रकार पानी को पाइपों द्वारा लाया जाता है और पानी को कूल से खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये एक किसान की मेहनत ही तो है जो बंजर ज़मीन में हरियाली लाती है। हम किन्नौर वासी, करसोग वासी और नेपाल वासी मिलकर करते हैं सेब का सीज़न और जो सेब आप तक पहुंचता है वो केवल सेब ही नहीं, उसमें छिपा है हम सबका प्यार। सेब तो आखिर होता ही है सबका फेवरेट और आखिरकार मेहनत और परिश्रम का फल तो मीठा ही होता है ना। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से विदा, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।